हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए दोस्तों 2013, 2016, 2018 के पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, इसमें हम जो मेन एनालिसिस है वो दोस्तों पेपर टू के एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स सेक्शन के लिए करेंगे दोस्तों। तो आप जो है इस पर ध्यान रखें, और दोस्तों यहाँ पे जो एनालिसिस किया जाएगा वो आपके मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और ये एनालिसिस दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसके साथ में सिलेबस को लिंक करके हम करेंगे, कि उससे हमको एक आइडिया लगेगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और पेपर में कहाँ से RPSC क्वेश्चन पूछना पसंद करती है। इसी तरीके का एनालिसिस दोस्तों हमने पहले भी किया हुआ है, और दोस्तों वो पेपर वन के लिए किया हुआ है। पेपर वन भी आपको पता ही होगा, जैसा कि अगर आपने सिलेबस देख लिया होगा तो दोस्तों उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और दोस्तों इसके अलावा सोशियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स आते हैं। तो वो उसका ऑलरेडी एनालिसिस अवेलेबल है, आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस एनालिसिस को देख सकते हो। तो दोस्तों अभी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं। दोस्तों मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है, और आप जो है मेरा यहाँ पे जो पास्ट बैकग्राउंड है वो देख सकते हो। मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है, और मेरा कई जगहों पे सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। उस सिलेक्शन के बाद में दोस्तों मैंने UPSC के कई अटेम्प्ट दिए हैं। तो दोस्तों और RAS का मेंस लिखा हुआ है 2018 का, तो दोस्तों मेरा काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्स का एक एक्सपीरियंस है, उसका लाभ उठाएं दोस्तों। अब दोस्तों मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह से हमने पेपर वन से कुछ टॉपिक्स थे सेलेक्ट किए थे। इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट किया, और ये समझा कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट आता है, और फिर पेपर जो पेपर वन की यूनिट थ्री थी उसका भी एनालिसिस किया। अब आज जो है दोस्तों हमारा एनालिसिस पेपर टू की यूनिट वन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के को लेकर के होगा। आप यहाँ पे दोस्तों हमारे कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हो, ये एनालिसिस अवेलेबल है। वीडियोस की लेंथ लंबी है, बहुत सोच समझ करके आप तैयारी करें। ये एनालिसिस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, और दोस्तों मेरी कोशिश यही रहेगी जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम आएगा तब तक में हम जो है पूरा RAS का जो है मेंस का सिलेबस कवर करेंगे, और उसका लाभ जो है आपको इस तरह से मिले कि आपके 100 मार्क्स आए आउट ऑफ 200। इस चीज़ को ध्यान में रख करके ये पूरी सीरीज चलाई जा रही है RAS मेंस की, ठीक है। आप इन वीडियोस को भी जा करके देख ले, इसकी प्लेलिस्ट भी जो है उसको भी देख सकते हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट RAS मेंस एग्जाम 2021 के नाम से है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप RAS इंग्लिश मीडियम के नोट्स ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहे हैं, तो काफ़ी सारे नोट्स तो आपको दोस्तों यहाँ पे RAS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और कुछ नोट्स हैं दोस्तों जो पेड हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको अभी वीडियो में आगे बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और अब हम देखते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का जो पेपर था यूनिट वन का वो किस तरीके का था, और उसके लिए सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, और आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल आपके पास में आपके हाथ में हैंड रिटन कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है, ये सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इन सब चीजों के बारे में मैं सबसे पहली वीडियो में ही बता चुका हूं दोस्तों, जो कि जब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स जो है लॉन्च किया जा रहा था, ठीक है। तो देखिए ये एथिक्स में जो है बिल्कुल दोस्तों जो सिलेबस है उसको कॉपी किया गया है जो UPSC में पूछा जाता है, ठीक है। वहीं से काफ़ी सारे टॉपिक्स लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि राजस्थान के इस RAS एग्ज़ाम में जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रित और ऋण का जो कंसेप्ट है, ये जो है दोस्तों ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ना RAS में स्पेशल तौर पे पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादातर जो है सेक्शन
जो है अगर आप देखोगे तो ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही टॉपिक है। लेकिन दोस्तों दोनों एग्जाम में बहुत फर्क होता है। आरएएस में तो सिर्फ फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और वो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपका ये टॉपिक ही पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, यूपीएससी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम 2018 के पेपर को लेते हैं और 2018 के पेपर से शुरुआत करते हैं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ रिट एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस। ठीक है, तो दोस्तों रिट का कंसेप्ट जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन है दोस्तों अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपने यहाँ पे रिट का कंसेप्ट बिल्कुल जो कि सिलेबस से डायरेक्टली है दिया हुआ है, अगर उसको पढ़ के गए होते तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अच्छे से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। ठीक है, इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक वेलफेयर, विच प्रिंसिपल ऑफ गीता अपहोल्ड दिस इंटेंशन। देखिए दोस्तों इस पेपर का जब मैंने 2018 का एनालिसिस करा वापस, तो मेरे को ये समझ आया कि भगवत गीता से जो है क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। भगवत गीता इंडिविजुअली, मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि भगवत गीता ह्यूमन एज एन ह्यूमन रिसोर्स बेटर बनने के लिए भी भगवत गीता बहुत अच्छी होती है, आपको पढ़नी चाहिए पूरी भगवत गीता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन दोस्तों अपनी खुद की लाइफ में बदलाव लाने के लिए। मैंने भी कई बार भगवत गीता पढ़ी है, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप आरएएस या किसी भी बड़े चैलेंज के लिए जा रहे हो तो दोस्तों भगवत गीता बहुत मदद करती है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों भगवत गीता से। अब आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है एथिक्स ऑफ भगवद गीता एंड रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है भगवद गीता का उससे। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नॉन वायलेंस और अहिंसा कोर वैल्यू है ऑफ गांधीयन इथिक्स। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में जो है अगर आपको पता होगा तो ये बिल्कुल कोर वैल्यूज ही थी गांधी जी की, और उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया। अब दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है कि गांधीयन एथिक्स पे जो ये है बिल्कुल टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाना है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा पढ़ें कहाँ से सर, पढ़े कहाँ से, तो दोस्तों टेक्स्ट बुक मैंने पहले भी अपनी एक बहुत पहले दोस्तों पेपर 1, 2 और 3, 4 का एनालिसिस किया था, जिसका लिंक मैं दोस्तों आपको आई बटन पे दे दूंगा, या फिर आप जो है आरएएस एग्जाम 2021 प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सारी बुक्स के बारे में बताया था। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है वो पढ़ता है लेक्सिकन की बुक, क्योंकि मैं भी दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ तो लेक्सिकन बुक मैं जानता हूँ, ये काफ़ी बढ़िया बुक रहती है। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी उसी तरह से आरएएस में भी आपको डेफिनेशंस के लिए बहुत हेल्प करेगी, ओवरऑल कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत हेल्प करेगी ये बुक। नाम है लेक्सिकन, ठीक है, लेक्सिकन नाम से एथिक्स की बुक चलती है। ठीक है, आप मार्केट में देख सकते हो, बाई कर सकते हो ऑनलाइन। लिंक जो है मैं अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के बाई कर लेना अगर करना चाहो तो, नहीं तो आप जो है मार्केट में भी जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, मिल जाएगी आपको ये बुक। इसके अलावा देखिए दोस्तों तो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखो डिफाइन जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब देखिए प्लेटो जो है ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर पर्सन में से है, प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ है। ठीक है, सोक्रेट्स हो गए, ठीक है, इनके बारे में जो है ये क्वेश्चन आते हैं हर साल ही। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये टॉपिक कहाँ दिया हुआ है, तो टॉपिक क्लियर कट दिया हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पेसिफिकली बोला हुआ है वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड के जो फिलोसोफर है ना दोस्तों उनकी बहुत वैल्यू है और यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये इसी तरह से आरएएस में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आरएएस में खास बात ये है कि आपको जो है वहाँ पे जाकर के अक्ल नहीं लगानी पेपर में ज़्यादा, आपको सिर्फ इतना करना है जो टॉपिक यहाँ पे एक एक मेंशनड है ना इसके अच्छे से प्रॉपरली नोट्स
प्रिपेयर करने हैं, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है और उसको बार बार पढ़ना है। जिस दिन एग्ज़ाम होगा, याद रखना जब भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उससे पहले तक सब रटे हुए होने चाहिए आपके माइंड में, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तब जाकर के पेपर जब आप लिख रहे होंगे और आपके पास 3 घंटे का समय होगा, तो आपको जो है आपका सिर्फ पेन चलना चाहिए, कहा जाता है ना पेन चलना चाहिए, आप दिमाग वहाँ पे लगाने का टाइम नहीं होता, वहाँ सिर्फ पेन चलना चाहिए। वो तभी होगा जब आपने कंठस्थ याद कर रखा है। और टेस्ट सीरीज कुछ भी ज्वाइन करो, कोई सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपकी जहाँ पे मैं मर्जी हो, ठीक है, लेकिन ज्वाइन जरूर करना टेस्ट सीरीज, ठीक है। मेरी कुछ शॉर्ट वीडियोज हैं, वो भी बीच बीच में आती रहेंगी, वो आपकी हेल्प करेगी एग्जाम की प्रिपरेशन में। प्लेटो के अलावा अभी और भी बहुत सारे जो है फिलोसोफर्स हैं, उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम पेपर में, 2018 का ही पेपर चल रहा है और उसमें हम सिर्फ आज एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की चर्चा कर रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इमोशनल इंटेलिजेंस? अब देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे और ये बिल्कुल क्लियर टॉपिक है दोस्तों। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये कंसेप्ट क्या है, ये पूरा चैप्टर है दोस्तों लेक्सिकन की बुक में, सारे हर टॉपिक पे चैप्टर मिल जाएगा, बस आपको रिथ एंड रेन का कंसेप्ट है ये नहीं मिलेगा, ठीक है, एंड कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं मिलेगी, लेकिन ज्यादातर चीजें आपकी कवर हो जाएगी लेक्सिकन की बुक से, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब आपको क्या बात आई यहाँ पे, क्या पता चला, सब कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर अभी तक जितने देखे वो सब सिलेबस से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। अभी एक क्वेश्चन आ जाएगा रोल ऑफ सोसाइटी के ऊपर, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से दोस्तों सारे एक एक टॉपिक, अभी रिथ पे आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे गांधीयन एथिक्स पे आ गया, यहाँ पे एथिक्स ऑफ भगवद गीता पे आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, माइंड में हर चीज याद होकर के जाना है, तभी आप पेपर में जाके लिख पाओगे और टेस्ट सीरीज अच्छे से लगानी है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। अब तक तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात की, मतलब सिंपल वो भी चाह रहे हैं, आरपीएससी हमसे क्या चाह रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से 15 वर्ड्स में जो भी है आप आंसर को कर दो, ठीक है। तो उसमें सिर्फ डेफिनेशन ही आएगी, डेफिनेशन से ज़्यादा तो वो पूछना भी नहीं चाह रहे। अब आपसे पूछ रहे 5 नंबर का क्वेश्चन, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। अब एक्सट्रीमिटिज्म इज डेंजरस, हाउ कैन वी अवॉइड इट, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ना, इस तरीके के क्वेश्चन, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कि ये क्वेश्चन जो है ना हर आदमी को, हर जो भी एस्पिरेंट होगा उसको नहीं पता होंगे, ठीक है। ये सिर्फ टॉपर लोग जो होते हैं ना एग्जाम में, वो क्यों टॉपर बनते हैं, वो टॉपर इसलिए बनते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो है ना जो सिलेबस में नहीं दिख रहे हैं, उसके बियॉन्ड वाले भी थोड़े बहुत आसपास के भी वो पढ़ के जाते हैं अच्छे से, इस वजह से क्या है कि वो हर चीज़ का आंसर दे पाते हैं। एक्सट्रीमिटिज्म का मतलब अगर आप समझते हो ना, तो कम से कम आप इसका आंसर तो लिख करके आओगे एज एन अच्छे एस्पिरेंट की तरह, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसका मतलब भी नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ों के कहाँ पर मिलेंगे, जब जो मैंने बुक बताई है ना लेक्सिकन की, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, वो एक बहुत बल्कि सी मोटी सी बुक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल पतली सी दुबली सी बुक हो, थोड़ा है मतलब पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगता है उसको पढ़ने में, 1-2 रीडिंग मारनी पड़ेगी, तो आपकी कई सारी टर्मों से जो है आपको मतलब वाकिफ होंगे कि भाई बहुत सारी टर्म्स आपके सामने आएगी, उसमें से एक टर्म होगी एक्सट्रीमिटिज्म भी, ठीक है। तो वो जब आपको पता होगा कि कंसेप्ट क्या है, तो आप पेपर में जाकर के लिख पाओगे, और जब लिख पाओगे तो 5 में से 5 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 2-3 नंबर मिल गए, तो ये एक पॉजिटिव है और आपके लिए जो है प्लस बात है, ठीक है, कि आप अच्छे से लिख पाए। 5 नंबर का मतलब ये समझ करो, 5 पॉइंट तो लिख के आने कम से कम, ठीक है, पेपर में 5 अंक 5 नंबर तभी देगा जब 5 पॉइंट या 5 डिफरेंट बातें लिख के आओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज। अब देखो क्या रोल है ऑफ सोसाइटी, ये सीधा का सीधा क्लियर क्वेश्चन है यहाँ से, रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस साल दोस्तों सोसाइटी पे आ गया 2018 के पेपर में, हो सकता है अगले साल रोल ऑफ फैमिली पे आ जाए,
फिर उसके अगले साल कभी दे रहे होंगे आप, तो रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आ जाए। तो क्वेश्चन पूछने का जो है ना दोस्तों, इनका क्या है, फॉर्मेट है। अगर आप आरपीएससी के पेपर्स को समझो, जितना सिलेबस दिया हुआ है ना, तो इन सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जो भी 8 9 टॉपिक है, इन सबको जो है आपको प्रिपेयर करके जाना होता है। और क्या है, इनमें से किसी एक सेक्शन को पकड़ते ही है। कभी रोल ऑफ सोसाइटी को पकड़ लिया, इधर से रेत को पकड़ लिया, यहां से बिहेवियर को पकड़ लेंगे, यहां से भगवत गीता की एथिक्स को पकड़ लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही एक ही से दे दिया पूरा पेपर में, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आरपीएससी की खास बात यह है कि ये पूछते सब एरिया से है। और क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब कवर करने की, जितना सिलेबस है उसको कंप्लीटली कवर करने की कोशिश रहती है आरपीएससी की, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम तो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ मेंटल स्ट्रेस इन एन एडमिनिस्ट्रेटर अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस की बात हुई है और यहाँ पे साइको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया। मतलब आप देखो, हर चीज़ पूछना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ही स्ट्रेस जो है उसके क्या कॉजेज हैं, ठीक है। तो हर चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक करके पूछी जा रही है। कल को पूछ सकता है कोई मॉरल थिंकर के बारे में पूछेगा कि प्लेटो ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए जो है किस तरीके के व्यूज़ दिए थे, या भगवत गीता के ऐसे कौन से प्रिंसिपल है जो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में काम आते हैं। क्वेश्चन पूछने के कैसे भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बार बार फोकस उसका एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहा है। और हम तैयारी भी आरएएस जो कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम है, तो हर चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा रही है। अब देखो 2018 के पेपर में, अब थोड़ा और आगे जाते हैं, तो गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो गांधी जी ने कोई बात कही थी, ठीक है, लेबर इज कैपिटल एंड द लिविंग कैपिटल इज इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। आई वॉन्ट टू एस्टेब्लिश इक्विटेबल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। आई डू नॉट विश फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ वन ओवर द अदर। तो दोस्तों, ये जब गांधी जी के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो गांधी जी जो है चीज़ों को इकट्ठा करने के मतलब पक्ष में नहीं थे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होनी चाहिए। गांधी जी के गांधियन एथिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल है दोस्तों, ठीक है, सर्वोदय का प्रिंसिपल है, बहुत सारे और भी प्रिंसिपल हैं। जब आप एथिक्स को पढ़ोगे, जब हम हमारे चैनल पे भी एथिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, तो दोस्तों उस वक्त पे ये गांधियन एथिक्स के टॉपिक को भी जब हम कवर करेंगे, तो गांधी जी के एक एक प्रिंसिपल को, गांधी जी की एक एक चीज़ को कवर अप किया जाएगा, उन्होंने क्या क्या बातें कही थी और उसका हम हमारे दैनिक जीवन में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे गांधी जी के एथिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे अप्लाई होंगे। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो उसमें भी गांधियन जो है प्रिंसिपल्स पे बेस्ड कुछ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा, इस तरह से गांधी जी का काफ़ी रोल है। और गांधी जी एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लेजेंडरी कैरेक्टर है हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका, ठीक है। तो हमको जो है गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम, तो क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा बहुत हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन देख करके आप चकित हो जाओ, ठीक है। गांधीयन, जैसे गांधीयन एथिक्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन गांधी जी के स्टेटमेंट को यूज किया है। कल को प्लेटो के भी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, कल को सोक्रेट्स के भी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना, जब आप अपनी पढ़ाई करोगे और जब आप लेक्सिकन या किसी बुक का को रेफर करोगे, तो आपको इनकी इंपॉर्टेंट जो कोट्स है ना, उनकी लिस्ट बनानी है और उन कोट्स को याद रखना है कि किसने कौन सा कोट कहा था और वो किस पर्सपेक्टिव से कहा था, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देता हूँ, लेक्सिकन की बुक के अलावा आप हमारे खुद के नोट्स हैं, ये मेरे खुद के सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं जो मैंने दोस्तों आरएएस मेंस के एग्जाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर किए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइको स्ट्रेस मैनेजमेंट है, पूरा डिटेल में है। सिर्फ ये सिर्फ साइको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, ये काफ़ी बड़े नोट्स हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक पीडीएफ तो 36 पेजेस की है, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको एक एक टॉपिक मिलेगा। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल भी एक थे, ठीक है, तो मैंने अपनी पढ़ाई की थी, उसी के नोट्स थे और उसी को जो है इस तरह से बनाया था कि मैं सिर्फ एग्जाम में बिल्कुल फोकस्ड होकर के जाऊँ और मेंस के एग्जाम में बिल्कुल लिख करके आऊँ पेपर में, ठीक है।
तो दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर नोट्स हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे एपीजे अब्दुल कलाम पे भी बनाए हुए हैं। तो ये जो है दोस्तों जब पढ़ाई की जाती है ना तो इस तरह से बहुत गहराई से की जाती है, ठीक है। तो मैंने अपने नोट्स जो हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें दोस्तों कंप्लीट नोट्स हैं मेरे। ये एथिक्स का एक और मेरे पास डॉक्यूमेंट था दोस्तों जो 48 पेजेस का है, जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उन्हीं में, ये दोस्तों पेड रहेगा, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको जो है 100 रुपीज चार्ज पर जो है एथिक्स का इंडिविजुअल बना दूंगा अलग से, आप एथिक्स वाले सेक्शन को बाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने जो है अभी कंप्लीट जो है आरएस मेंस का मटेरियल बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको जो है वो चाहिए तो आप ये करिए कि ये बुक है दोस्तों, ये पूरी कंप्लीट जो है मैंने ये बना रखा है, जहाँ जहाँ पे आरएस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी की तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने खुद के सेल्फ नोट्स खुद ने प्रिपेयर किए थे। तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जनरल साइंस लॉ फॉर आरएस एग्जाम मैनेजमेंट साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान जीके एंड आर्ट एंड कल्चर सोशियोलॉजी स्पोर्ट्स एंड योगा मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे और भी एक्स्ट्रा पीडीएफ्स हैं जो सारी मैंने इसमें डाल दिए है दोस्तों। अब आप जब अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। बाकी आपको अगर मार्केट में बेहतर नोट्स मिलते हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। बट मैंने देखिए ये एक और 3 पीडीएफ है एथिक्स की, तो ये सोफिस्ट के ऊपर है, ये आप देखोगे यहाँ पे सोक्रेट्स के ऊपर दे रखा है, काफ़ी सारी इस तरीके से दोस्तों। ये डिटेल में जो है यहाँ पे आप जाओगे तो मैंने कट भी कर रखा है कई सेक्शंस को जिनको नहीं पढ़ना था मुझे, ठीक है। कौन सा पढ़ना था, जैसे एथिकल हेडोनिज्म हो गया, ठीक है, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म हो गया, तो ये सब जो है छोटी छोटी डेफिनेशन है जिसकी, जैसे आप एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हो, ठीक है, उसी तरीके से हेडोनिज्म होती है, वो भी कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो तो ये बाय कर सकते हो, ठीक है। अभी हम सिलेबस पे वापस चलते हैं और देखते हैं 2018 के पेपर में क्या पूछा है, ठीक है। आगे देखते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ब्रिंग्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, इसका इसको डिस्कस करना है। अभी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के बारे में पूछ रही है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ब्रिंग्स। अब देखिए दोस्तों ऐसा कोई आपको डायरेक्टली टॉपिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है अपने खुद के सेंसेस के बेसिस पे भी इसका आंसर कर सकते हो जब आप इतना पढ़ते हो पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को लेकर के जो है आप जानते हो कि किस तरह से पॉलिटिकल न्यूट्रल बना जाता है और उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चन होंगे दोस्तों पेपर में, ऐसा तो है नहीं यार 200 में से 200 नंबर आ ही जाएंगे आसानी से। आपका टारगेट होना चाहिए 200 में से 100-120 नंबर तक आए आपके हर पेपर में, पेपर 1, 2, 3, 4, जिसमें पेपर 4 में तो आने ही चाहिए, जिसमें आपके नंबर 120 प्लस आने चाहिए, ठीक है। कोशिश करनी है आपकी, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप टॉप 100 में आए, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि पीछे पीछे रैंक लग जाए, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप सब सेलेक्ट हो और बेस्ट रैंक लेकर के आओ, ठीक है। और हाउ डज भगवद गीता रिवॉल्व डिलेमा ऑफ अर्जुन इन द फेस ऑफ क्राइसिस। अब देखिए दोस्तों ये जो था, अगर आपने भगवद गीता ढंग से पढ़ी हो तो अर्जुन को जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है गीता का ज्ञान दिया था और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल ये। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अब हमको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचना है, हाउ विल यू अप्लाई द टीनेट्स ऑफ गीता व्हेन कन्फ्रंटेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेमा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेमा जो है आपके सामने कल को आएगी, तो आप कैसे बिहेव करोगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों जब भगवद गीता का जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लोगे समझ लोगे तो आपके दिमाग में 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो अपने दिमाग में हर चीज़ को हर टॉपिक को पढ़ने से पहले सोचो कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ तो मैं इस टॉपिक से किस तरीके का, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, ये 10 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। अभी एक चीज़ बताता हूँ, इस सिलेबस में जो मैंने नज़र डाली है पहले भी मेरी तैयारी जब मैं कर रहा था तो केस स्टडीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये हमारे आरएस के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं केस स्टडी बेस्ड। बट आप कुछ हद तक तैयारी ज़रूर करके जाएं केस स्टडीज़ की, कम से कम 10-20 केस स्टडी पढ़ के जाएं, ताकि आप जो है अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है सडनली तो आप रेडी रहें, ठीक है। अब तक तो नहीं आए हैं केस स्टडीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों भविष्य में आ सकता है, कह नहीं सकते कुछ, ठीक है। अब 2018 में ये एक और क्वेश्चन था, टीचिंग ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स नेवर ग्रो ओल्ड, ठीक है।
ब्रिंग आउट देयर सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको जो है ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, इसका आंसर जो है आप लिख पाओगे जब आप कई सारे लीडर्स के बारे में पढ़ोगे, रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ोगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पे रिफॉर्मर्स वाला सेक्शन भी है, ग्रेट लीडर्स वाला भी सेक्शन है, और ये आपको पहले वाले ही टॉपिक में दिख रहा है, और इससे आपके अंदर जो है ह्यूमन वैल्यूज भी डेवलप होती हैं। ठीक है, जब आप इनको पढ़ते हो तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आप पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना आमतौर पर दोस्तों सिंपल हो जाता है। ठीक है, फिर आपके मन में ऑटोमेटिकली विचार आने लगते हैं, उन विचारों के आधार पर आपको जो भी पेपर में सही लगता है आप उस हिसाब से लिख करके आते हो। ये तो नहीं होगा दोस्तों कि 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये जरूर कोशिश कर सकते हो कि 5, 7, 8 जितने भी नंबर खींच सकते हो एग्जामिनर से, तो बेस्ट आंसर लिख करके आओ, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और हमेशा किसी को कोट करके आओ। ठीक है, कि गांधी जी ने ये कहा है, प्लेटो ने ये कहा है, इस तरीके से जो है ना कोट करके आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इंक्लूड करेज एंड टेम्परेंस। ठीक है, संयम रखती है, मतलब साहस और संयम। आर दे स्टिल नीडेड इन मॉडर्न सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, वापस से वही सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के आ गए ये लोग। ठीक है, और प्लेटो की थ्योरी है, प्लेटो से बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है। प्लेटो को कुछ जो इम्पोर्टेंट रहे हैं जो पास्ट में दोस्तों, ये रिफॉर्मर्स हो या फिर फिलोसोफर्स हो, ठीक है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इनके पॉइंट्स जो है अच्छे से पढ़ के जाना, और ये लेक्सिकन की बुक में जो है आपको ज़्यादा बेटर से मिल जाएंगे। और ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोल ऑफ टीचर्स है, अब ऐसा दे तो नहीं रखा ना हमको, लेकिन मैंने खुद ने अपने नोट्स में बनाए हुए हैं रोल ऑफ टीचर क्या है। ठीक है, तो हर चीज़ ऐसा नहीं होता है दोस्तों, एक टॉपर जब बनता है ना, या जो लोग मेहनत करते हैं अच्छी, तो वो हर तरफ नज़र रखते हैं अपनी चारों दिशाओं में ऐसे। ठीक है, तब जा करके जो है काम बनता है आपका, जब पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे 2016 के पेपर पे अब चलता हूँ, और जल्दी अब थोड़ा सा मैं लूंगा, क्योंकि 2018 का मेन था एनालिसिस, तो अब 16 और 13 का जो है फास्ट होगा एनालिसिस। अब देखो, जब 2016 में पेपर होता था ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो पेपर 2 के इस सेक्शन में नहीं आता था उस वक्त पे, तो ये देखो आपको मैथ्स दिख रही होगी, तो उस वक्त पे मैथमेटिक्स थी 2016 के पेपर में, फिर बाद में चेंज हुआ था। तो अभी हम ढूंढते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अगर एथिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं तो देख लेते हैं, नहीं होंगे तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अभी एनालिसिस किया तो ये पाया कि दोस्तों 2016 के जो पेपर 3 होते थे उसमें दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का सेक्शन दिया जाता था, और उससे पहले 2013 के पेपर में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का सेक्शन नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों जब आप एनालिसिस करें तो 2016 के जो पेपर 3 की जो यूनिट 3 है दोस्तों, उसको जाकर के आप अच्छे से पढ़ें, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे भी प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द नेम ऑफ कार्डिनल वर्च्यू ऑफ प्लेटो। तो दोस्तों प्लेटो को पकड़ के बैठा हुआ है RPSC, और बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं जो है दोस्तों यहां पे भी एक सेक्शन ऐड कर देता हूं कि प्लेटो स्पेशली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों भगवत गीता से जो है क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इन जो जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे भगवत गीता हो गई या फिलोसोफर हो गया, इनके बारे में ध्यान रखें। अभी आगे बढ़ते हैं हम, तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन 2016 के पेपर में पूछे गए थे, 2016 में दो पेपर हुए थे दोस्तों, एक तो ये रिपीट भी हुआ था एक बारी को पेपर। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे अभी, लेकिन अभी ये देख लेते हैं 2016 का पेपर था, पेपर 3 जो था 2016 का, उसमें पूछे गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के क्वेश्चन, जो कि अभी 2018 से पेपर 2 का पार्ट बन चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के, तो इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, ठीक है, जेएस मिल भी एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर रहा है, और आप ये इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद मतलब यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाएं, जेएस मिल के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं,
और दोस्तों ये सब मैंने अपने नोट्स में भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप जो है वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको जैसा कि बताया मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे वहाँ से ले सकते हैं उसको। ठीक है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरलिस्टिक फॉलेसी? ठीक है, तो नेचुरलिस्टिक फॉलेसी का क्या कंसेप्ट है? तो दोस्तों ये फॉलेसी का कंसेप्ट जब है ना, हम लेक्सिकन की बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, तो दोस्तों लेक्सिकन की बुक में अच्छे से दिया हुआ है नेचुरलिस्टिक फॉलेसी का भी कंसेप्ट। ठीक है, इसके अलावा डिफाइन स्वधर्म अकॉर्डिंग टू गीता। ठीक है, गीता में बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं, जैसे निष्काम कर्म पे भी दिया हुआ है, वैसे ही स्वधर्म का भी कंसेप्ट होता है। ठीक है, हो सकता है दोस्तों इनमें से ही कोई ना कोई एक कंसेप्ट इसी तरह से डायरेक्टली आपसे पूछा जाए इस साल के पेपर में। ठीक है, तो 2021 के पेपर में आपको मैं पूरी तरह से तैयार कर रहा हूँ कि आप जो है ये इस तरीके के क्वेश्चन आए तो छोड़ के ना आए। ठीक है, 2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं, सिर्फ डेफिनेशन है छोटी सी, उसको लिख करके आना है आपको। ठीक है, तो ये सब जब आप अपनी तैयारी करोगे तो इन सबको अपने नोट डाउन करते चलो कि आरपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछना चाह रही है। ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर आप पढ़ते टाइम जो है हमेशा रिकॉल करोगे दिमाग में कि भाई क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं, तो पढ़ाई भी जो है उसी तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स अकॉर्डिंग टू कांट। ठीक है, कांट जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, ये भी प्लेटो की तरह ही था। जेस मिल, प्लेटो, कांत, इन सबके जो है आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। A4 साइज का ऐसे पेपर ले लिया करो, ये इस तरह से A4 साइज का पेपर लिया, छोटे छोटे से नोट्स बनाओ, जो चीज़ें आपको आप खुद खुद के लिए बनाने नोट्स, खुद के लिए पढ़ाई करनी है तो उसी अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ। ठीक है, कैटेगरिकल इंपेरेटिव्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कांत। ठीक है, ये पूछा गया है और ये सारे टॉपिक्स ना दोस्तों जब आप लेक्सिकन खोलोगे तो आपको वहाँ भी मिलेंगे। ठीक है, लेक्सिकन की बुक होनी चाहिए दोस्तों, भले से आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ रहे हो भले से। ठीक है, डिस्क्राइब द नोशन ऑफ निष्काम कर्म योग अकॉर्डिंग टू गीता। जैसा मैंने बोला ही था कि ये निष्काम कर्म योग, वही कंसेप्ट पे फिर क्वेश्चन आ गया, अब 5 नंबर में आ गया। कल को दोस्तों यही क्वेश्चन आ जाएगा और 2 नंबर के में भी आ सकता है, तो फिर बस फर्क ये आ जाता है, वहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखना, वहाँ सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी होती है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में तो, और जब 5 नंबर या 10 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको एग्जाम्पल के साथ में लिखना चाहिए। जो भी करंट में कोई इवेंट हुआ हो या फिर आप किसी घटना के बारे में भी बता सकते हो जिससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉरेलिटी अकॉर्डिंग टू कांट। ठीक है, कांट पे देखो फिर से क्वेश्चन पूछा है कांट पे, और ये 2016 में बहुत हुआ था। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से जो पर्सन बार बार आ रहा है ना, देखो इसको इस तरह से कोई भी, आप चाहे डिजिटल फाइल भी बना सकते हो और इस तरीके से कांत डाल दिया आपने और उसके बाद में जो है आगे बढ़ गए, तो इससे क्या होगा आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको शॉर्ट लिस्ट भी हो जाएंगे एरियाज कि कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ने इसलिए चाहिए क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, हालांकि दोस्तों सिलेबस तो पूरा ही पढ़ना है अच्छे से, लेकिन जैसे पता चला ना कि इतने सारे फिलोसोफर्स में से छटनी करनी होगी आपको, तो किसकी छटनी करके कौन कौन से निकल के आ रहे हैं, कौन से काम के बंदे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बस आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है अपनी। अब देखो 2016 का जो रिपीटेड पेपर था, देखिए ये यहाँ पे जो है 2016 का रिपीटेड पेपर में पेपर 3 में यूनिट 3 थी, उसका पार्ट A था। ठीक है, उसको भी 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया था, तब जो है ना एथिक्स से कम आता था, मतलब ये जो है एथिक्स से सिर्फ 10 मार्क्स का ही पेपर में पूछते थे। देखो कितना कम पूछते हैं, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 10 नहीं टोटल तो 20 मार्क्स का होता था, 10 मार्क्स के 2-2 नंबर वाले होते थे और बाकी 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते थे। अभी देखो वर्च्यू के बारे में पूछ रखा था, वो भी सोक्रेट्स का। ठीक है, वो भी सिद्धांत था वर्च्यू अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स, तो इसलिए मैंने कहा सोक्रेट्स इंपॉर्टेंट है। वॉट इज मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ विल, तो ये फ्रीडम ऑफ विल का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में भी बताएं और साथ में उसका मतलब भी बताएं कि फ्रीडम ऑफ विल का क्या मतलब होता है। डिफाइन द टर्म, यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछा गया था, डिफाइन द टर्म ड्यूटी, कर्तव्य पद को परिभाषित कीजिए, तो ये क्या होता है ड्यूटी जो है। यहाँ पे सिलेबस में भी देखो ये एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है ड्यूटी, कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी। देखो इस बार 2018 में तो रित पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट 2021 में मेंस में रिन पूछ लें या फिर हो सकता है कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज पूछ लें आपसे, तो
पहले इस तरीके से कहते थे, या फिर कंसेप्ट ऑफ गुड एंड वर्च्यू का भी कंसेप्ट पूछ सकते हैं। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आएंगे पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से, ठीक है। आरपीएससी जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है, बात मानिए, ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है आसानी से, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और तब जा करके आपके एग्ज़ाम आसानी से निकल सकते हैं। डिफाइन द टर्म ड्यूटी, ठीक है, तो ड्यूटी का समझ आ गया। एक्सप्लेन परम धर्म, परम धर्म अकॉर्डिंग टू गीता, तो गीता के हिसाब से पर धर्म क्या होता है, पर धर्म का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों जब गीता का आप चैप्टर पढ़ोगे इसमें लेक्सिकन में, तो ये सब टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आ जाएंगी। वैसे तो आम तौर पे दोस्तों आपको खुद को भी पता हो पर धर्म के बारे में, अगर आप भगवद गीता को पढ़ेंगे तो मैं तो यही कहूँगा खुद के पर्सनल विकास के लिए भी आप भगवद गीता पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बुराई नहीं है, उसको पढ़ने में बहुत अच्छी चीज़ है और पढ़ना चाहिए हर किसी को, ठीक है। अब इसके अलावा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉरल राइट्स एंड लीगल राइट्स, ठीक है, तो इस तरीके के जो है दोस्तों कंसेप्ट जो है आपको मिल जाएंगे। राइट्स का जो है सिद्धांत जो है राइट्स के बारे में भी पता चल जाएगा जब आप बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़ोगे तो। लेकिन दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, देखो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक टॉपर जो होता है ना इन क्वेश्चंस के भी आंसर लिख के आता है, ठीक है। पढ़ा तो आपने हुआ है ना, राइट्स तो आपको पता है कि क्या होते हैं, अधिकार तो हम सबके पास है, मॉरल राइट्स और लीगल राइट्स, हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो मॉरल राइट्स तो वो हैं जो हमारे अंदर से जो है मॉरेलिटी के बेसिस पे आते हैं, ठीक है, जो हमको फॉलो करने चाहिए। बाकी लीगल राइट्स से जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ऊपर है, ठीक है, जो हमको दिए गए हैं जो अधिकार, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये इस तरीके से जो है आप खुद से भी बना करके आंसर लिख करके आओ, ऐसे क्वेश्चंस में आंसर लिख करके आओ। बिल्कुल ऐसा मत लिखो कि दोस्तों बिल्कुल ऐसा लगे कि सामने वाले को कि किस बिल्कुल एक लेमैन ने लिखा है, लेमैन वाले काम करके नहीं आ सकते आप पेपर में। जब लिख के आओगे तो स्टैंडर्ड का लिख के आना है, क्योंकि कल को आप एक जो है अधिकारी बनने वाले हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है 50 वर्ड का क्वेश्चन है, 5 नंबर के मार्क्स हैं इसके, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लोक संग्रह ऑफ गीता। तो लोक संग्रह ऑफ गीता जो है ये भी दोस्तों भगवद गीता का ही एक कंसेप्ट है, ठीक है, कि तो लोक संग्रह की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है। तो गीता को जो है दोस्तों ज्यादा डिटेल में पढ़ें, गीता को ढंग से पढ़ के जाएं, क्योंकि गीता से क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा मार्क्स के आएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कांत ने जो है गुडविल का एक सिद्धांत दिया था, राइट द व्यू ऑफ कांत ऑन गुडविल, तो शुभ संकल्प पर कांत के दृष्टिकोण को लिखिए। तो दोस्तों ये कांत के बारे में पढ़ोगे तो कांत की एथिक्स है पूरी की पूरी, उसको पढ़ोगे तो आपको ये गुडविल के जो है सिद्धांत और ये सब चीज़ें भी मिल जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ जितना आपको सिलेबस में दिया है उतना तो पढ़ो, इसके थोड़ा आजू बाजू की चीज़ों को भी पढ़ के जाना। एक्चुअली मेरे खुद के जो नोट्स मैंने आपको अब तक बताए थे वो इसी तरीके से बनाए गए हैं कि मैं ये सब तो टॉपिक मैंने भी पढ़े थे, लेकिन मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ी थी जो कि हेल्प करती है मोर और लेस जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है, तो वो आपको करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से समझ बहुत कुछ आया होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये कॉम्पिटिटर्स अकेडमी और RS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है RS मेंस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है उसमें मदद कर सकूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अगर आप अभी तक देखते रहे दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।